कोरोना के जग में स्कूली बच्चे, जयपुर के एक निजी स्कूल में 11 बच्चे आए हैं पॉजिटिव। महापुरा स्थित जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में पॉजिटिव आए हैं बच्चे। सर्विलांस के तहत निजी लैब से करवाए गए थे बच्चों के सैंपल। बोर्डिंग में पढ़ रहे अधिकांश बच्चे बताए जा रहे हैं बाहर के। सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीमें अलर्ट हुई है। CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने स्कूल में भेजी चिकित्सा टीमें। जयपुर में एक पखवाड़े में 15 से अधिक बच्चे अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, तो बेहद गंभीर है, जिसकी आशंका भी यहां पर जताई जा रही थी। कोरोना के जख्म में अब स्कूली बच्चे आ रहे हैं। जयपुर के एक निजी स्कूल में 11 बच्चे आए हैं पॉजिटिव। महापुरा स्थित जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में पॉजिटिव आए हैं बच्चे। सर्विलांस के तहत निजी लैब से इन बच्चों के सैंपल करवाए गए थे। बोर्डिंग में पढ़ रहे अधिकांश बच्चे बताए जा रहे हैं बाहर के रहने वाले हैं। सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीमें अलर्ट हुई हैं। CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने स्कूल में चिकित्सा टीमें भेजी है। जयपुर में एक पखवाड़े में 15 से अधिक बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिसका डर था वही नजर आ रही है तस्वीरें, जहां 11 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में पॉजिटिव आए हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, आज जयपुर के अंदर एक बार फिर बड़ा विस्फोट कोरोना का देखने मिल रहा है। विस्फोट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूली बच्चे, जिनका हमें डर था वही सामने आए। स्कूली बच्चे, कुल 11 स्कूली बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं। निजी लैब के अंदर जांच कराई गई थी और उसकी रिपोर्ट कुछ ही देर पहले चिकित्सा विभाग को मिली है। और जो स्कूल प्रशासन है उसने जो वहाँ के बच्चे थे उनके लिए छुट्टियां जो है वो कर दी है अभी इस वक्त। लेकिन साथ में चिकित्सा विभाग के लिए टेंशन बढ़ गई है, एक 11 बच्चे जो पॉजिटिव आए हैं, इन स्कूल इनके लिए टीमें जो है डॉक्टर CMHO नरोत्तम शर्मा जो है उन्होंने टीमें भेज दी है स्कूल के लिए। साथ में जो जहाँ बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे बताए जा रहे हैं वो जयपुर से बाहर के बताए जा रहे हैं, तो उन सभी को ट्रेस करके टीमें जो उनके मालूम कर रही थी कौन बच्चे कहाँ के थे। और अभी श्वेता अपडेट दे दें, इन बच्चों को ऐसा नहीं है कोई बीमारी थी, ये सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए, सर्विलांस के लिए टेस्ट कराया गया था। उस टेस्ट के अंदर बच्चे पॉजिटिव आए, जो कि चिंता की बात है। यानी कि ये बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे और एसिम्प्टोमेटिक बच्चों के अंदर कोविड पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि वापस से कोविड जो है वो बच्चों के अंदर फैल रहा है। हम बात करें, इससे पहले भी एक पखवाड़े की बात करें तो कुल 3 से 4 बच्चे पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं। यानी कि पिछले अगर 15 की बात करें तो 15-16 बच्चे जो है कोरोना की जद में आ गए, जो कि बहुत चिंता वाली बात है। जी बिल्कुल, और क्योंकि ज्यादातर बच्चे बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं विकास, तो क्या इनके परिजनों को सूचित किया गया है? और 11 पॉजिटिव आए हैं तो अभी स्कूल प्रशासन किस तरह से अलर्ट है, क्या किया जा रहा है ताकि बाकी बच्चे जद में ना आए? देखिए श्वेता, अभी जो जानकारी मिली चिकित्सा विभाग को उसमें 11 बच्चों के पॉजिटिव मिलने की जानकारी मिली है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो निजी लैब से कराई गई थी। निजी लैब की रिपोर्ट के बाद में उनको तत्काल सूचना मिली है। ऐसे में अब जो बच्चे हैं उनके बारे में, स्कूल प्रबंधन के बारे में, स्कूल से जो बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे, क्या उनके संपर्क सूत्र था, क्या उनका स्क्रीनिंग, उनके जो आसपास के कितने बच्चे उनके साथ में थे, इन सभी बारे में जानकारी जो है चिकित्सा की टीमें जब मौके पहुंचेगी तब पता चलेगा। अभी फिलहाल यही है कि टीमों को रवाना कर दिया गया है। CMHO नरेंद्र शर्मा ने टीमों को रवाना कर दिया है। CMHO सेकंड का क्षेत्र है, लेकिन बतौर नोडल अधिकारी नरोत्तम शर्मा ने टीमें जो है रवाना करी है और अभी कुछ ही देर में इसका अपडेट मिलेगा कि कितने बच्चे जो है पॉजिटिव मिले और उनके संपर्क में आने वाले बच्चों को स्क्रीनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल विकास, ये तो जयश्री पेड़ीवाल स्कूल का मामला था जहाँ पर ये बच्चे पॉजिटिव आए हैं, लेकिन बच्चों के लिहाज से, क्योंकि अब तक की अगर एक पखवाड़े की बात कर ले 15 से अधिक बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं, गवर्नमेंट के लेवल पर, स्वास्थ्य विभाग के लेवल पर अब क्या किया जा रहा है, कितने अलर्ट है, सजग है? देखिए श्वेता, इसके लिए पिछले दिनों जब स्कूल बच्चे जो पॉजिटिव आए थे उसके बाद में फर्स्ट इंडिया ने खबर भी चलाई थी कि बच्चों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, समय समय पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसी के तहत स्कूलों के अंदर स्क्रीनिंग, हर स्कूल के अंदर टीमें जा रही है, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं और लेकर के एक एक बच्चे की वहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो उसको लेकर के भी अस्पताल जो टीमें जो है वो स्कूल प्रबंधन को ताकीद कर रही है। इस तरह के बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए विशेष उन पर निगरानी रखी जाए, उनके परिजनों को कहा जाए कि अगर उनको टेस्ट कराया जाए और अगर टेस्ट में अगर नेगेटिव है तो भी उन पर निगरानी रखी जाए, ताकि अगर किसी भी बच्चे को पॉजिटिव की स्थिति बनती है तो उसका तत्काल अर्लियर जो इंतजाम है वो की जा सके। जी बिल्कुल, इंतजाम यहाँ पर किए जा सके, कोशिशें भी की जा रही है हालांकि, लेकिन थर्ड वेव को लेकर जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी और अब जिस तरह से पॉजिटिव बच्चे आ रहे हैं, क्या मान रहा है स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या कुछ किस तरह का कोई स्टेप उठाने की कोशिश है? अगर कोरोना की बात करें तो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। एक वक्त वो आ गया था जब एक महीने पहले जो एक्टिव केस जो है वो मात्र 20 के आसपास रह गए थे और हम राजस्थान जो है कोविड फ्री होने स्टेट की राह पर आ गया था। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो लगातार केस बढ़ रहे हैं। पहले 10 से 12 केस आए थे,
फिर 17-18 केस आया, कल 22 केस सामने आए, जो कि बहुत बड़ा फिगर है पिछले दिनों के मुकाबले। पिछले अगर 2-2.5 महीनों की समस्या की जाए तो इतने आंकड़ा जो है करीब 109-110 दिन बाद में इतना बड़ा आंकड़ा जो है पॉजिटिव मरीजों का आया था। और उसके बाद में अगर बात करें एक्टिव मरीजों की तो वो तादाद भी बढ़कर 131 के आसपास पहुंच गई है, जो कि कल का फिगर है। और ये एक्टिव केस जो लगातार बढ़ रहे हैं, और यही वो वजह है जो चिंता की बात है। खास चिंता वाली बात ये है कि जयपुर के अंदर केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, जयपुर में केस सामने आ रहे हैं, अजमेर में केस सामने आ रहे हैं, जो कि सभी के लिए चिंता की बात है। जी विकास, लेकिन ये मामले किस तरह के, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि जो बच्चे हैं ये सभी एसिम्प्टोमेटिक थे, किसी तरह का लक्षण नहीं था, रूटीन चेकअप था, और ऐसे में ये बच्चे पॉजिटिव आए? बिल्कुल, देखिए सर्विलांस के लिए टेस्ट कराए गए थे। कुछ बच्चे ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो कि प्रवेश लेने के स्कूल में आए थे, उनका कोविड टेस्ट कराने के बाद में उनको उनकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जानी थी, तो इसलिए उनको वहाँ रखा गया था। ऐसे बच्चे बताए गए हैं, हालांकि अभी टीमें मौके पर पहुंची नहीं है, चिकित्सा की टीमें मौके पर पहुंच रही है, उसके बाद में पूरी विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं उनको लेके क्या क्या एहतियात किए जाएंगे, साथ में जो और जो बच्चे उनके संपर्क में आए उनके लिए क्या एहतियात किया जाना। जी बिल्कुल, और ये बेहद अहम भी है। लेकिन जिस तरह से विकास, क्योंकि लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं, पहले से बढ़ रहे हैं, बच्चे भी अब इसकी जद में आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे जब एक साथ 11 पॉजिटिव आ जाए तो चिंता का विषय भी है, क्योंकि स्कूल वगैरह भी सब खुल चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर एहतियात और तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन अब क्या नजर आता है, फिर से सख्ती करने की जरूरत है? देखिए श्वेता, आज नए चिकित्सा मंत्री जो है वो उन्होंने को कल जिम्मेदारी मिली है, आज उनसे हमारी बातचीत हुई थी, हालांकि उनका विभाग में नए हैं अभी, जस्ट उन्होंने कल वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि केस इतने तादाद में नहीं पड़ेगी जो पैनिक स्थिति हो, लेकिन हमको एहतियात बरतना होगा। और उन्होंने विशेष तौर पे कहा है कि हमारा फोकस रहेगा जो वैक्सीन से वंचित जो लोग हैं उनके लिए एक महीने के अंदर पूरा ड्राइव चलाया जाए, और ड्राइव के अंदर जो वंचित लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि कम से कम उनको सीवियर स्थिति से बचाया जा सके। क्योंकि अगर कोविड का वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके बाद में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक के रूप में ही कोविड पॉजिटिव आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बोर्डिंग में पढ़ रहे अधिकांश बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं जो कि बाहर के रहने वाले हैं, और किसी में भी कोई लक्षण नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं, और रूटीन चेकअप के लिए गए थे, टेस्ट वगैरह हुआ तो इसमें पॉजिटिव आ गए ये बच्चे। एक पखवाड़े की बात कर ले, 15 से अधिक बच्चे अब तक पॉजिटिव आ गए हैं, कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात बरतने की बात यहाँ पर बार बार कही जा रही है कि एहतियात यहाँ पर बरते जाए, लापरवाही नहीं, क्योंकि अब बच्चे भी इसकी जद में आ रहे हैं, जिसका अंदेशा पहले से था, आशंका जताई जा रही थी कि थर्ड वेव की बात कही जा रही है, थर्ड वेव बच्चों के लिए ज्यादा घातक हो सकती है, और जब एक एक करके बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय जरूर है। हालांकि सर्विलांस के तहत निजी लैब में ही जांच इन बच्चों की कराई गई थी, जिसके बाद ये 11 बच्चे जो पॉजिटिव आए, एहतियात के तौर पर 4 दिन के लिए स्कूल को भी यहाँ पर बंद किया गया है। तो सूचना मिलती है, हालांकि चिकित्सा टीमें भी सक्रिय हैं, सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने स्कूल में इन टीमों को भेजा है ताकि प्रॉपर जाँच हो सके। और सबसे अहम ये है कि बाकी स्कूल भी, क्योंकि जब एक स्कूल से शुरुआत होती है, बच्चे पॉजिटिव आते हैं तो चिंता की बात जरूर है, और ऐसे में लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। और जैसा कि स्कूल खुलने से पहले भी अभिभावक भी थोड़ा चिंतित थे कि बच्चे स्कूल जाएंगे, कहीं कोविड के मामले जिस तरह के सामने आते, लेकिन बीच में सब कुछ सामान्य हो गया था, ऐसी स्थिति भी आई जब एक भी कोविड केसेस नहीं थे, और अब जब एक एक करके केसेस सामने आ रहे हैं उसमें भी बच्चों को लेकर आ रहे हैं सामने, तो ऐसे में ये बेहद चिंता का विषय जरूर है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने स्कूल भी टीमें भेजी हैं, जाँच के बाद और भी बहुत कुछ सामने आ सकता है कि आखिर क्या स्थिति है, क्या और बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, और क्या, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है तो डॉक्टर्स भी इसे लेकर क्या कहते हैं, थर्ड वेव है या फिर जैसे मामले सामने बढ़ते जा रहे हैं। और मौसम को लेकर भी कई बार ये कहा जाता है कि ये ठंड का टाइम है, सभी को सर्दी जुकाम है, और ऐसे में लक्षण ऐसे लगते हैं जैसे कहीं कोविड ही ना हो, लेकिन जांच बेहद जरूरी है। अगर लक्षण कुछ भी ऐसे नजर आते हैं तो टेस्ट कोविड का जरूर कराएं, क्योंकि वक्त रहते टेस्ट कराने से हम बाकी बहुत लोगों को बचा सकते हैं, इसकी जद में आने से रोक सकते हैं, और इसलिए एहतियात बरतने की बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं। और खासतौर से वापस कोविड गाइडलाइन की पालना की जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन ये मामला जरूर आया है, और अब एहतियात के तौर पर 4 दिनों के लिए स्कूल को बंद किया गया है।